पीड़ित परिवार के समर्थन में आई जनता सेना परिवार को दिया हर संभव मदद का आश्वासन। आपको बता दें, उदयपुर जिले के सूरजपुर थाना क्षेत्र में रह रहे एक परिवार द्वारा मकान बनाए जाने की बात को लेकर अन्य समुदाय द्वारा पीड़ित परिवार पर हमला कर निर्माणाधीन दीवार गिरा डाली। दरअसल पूरा मामला यह है कि सूरजपुर में रहने वाले पुष्करदास वैष्णव अपने परिवार के साथ वर्षों से हनुमान मंदिर के पास मकान बनाकर रह रहे हैं और मंदिर की देखरेख करते हैं। बारिश का पानी आ जाने से पुष्करदास अपने परिवार के साथ किराए का मकान लेकर रह रहे थे। इसके बाद वह अपने घर का निर्माण करवा रहे थे, तभी पड़ोस में रहने वाले अन्य समुदाय के लोगों द्वारा मकान की दीवार गिरा दी गई और मकान नहीं बनाने की बात को लेकर पीड़ित परिवार को डराया धमका जा रहा है। इस पर युवा जनता सेना के जिला अध्यक्ष पंकज सुखवाल और शहर जिला अध्यक्ष भरत साहू ने पीड़ित परिवार से बात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सुनिए आप भी पीड़ित परिवार और पंकज सुखवाल की बातचीत। हाँ बहन, मैं जनता सेना से बोल रहा हूँ, ठीक है जी सर। हाँ, अपने को क्या प्रॉब्लम आ रही है सिस्टर? सर एक्चुअली ना हम लोगों को, मेरे पापा को, डर नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ। सुनो, पंकज सुखवाल नाम है और मैं आपका, हाँ? भाई हूँ। आपके कोई भाई नहीं है ना? आप मेरे को अपना, हाँ, भाई बोलो। भैया एक्चुअली में यहाँ पे क्या, मेरे फादर को रहते हुए पूरे 7 साल हो गए, उससे पहले भी मेरे दादी वगैरह आपके पूछते रह रही ना यहाँ, और मंदिर की जमीन है, आपका घर है, आपके पास पेपर पूरे है ना? हाँ सर, जितना भी यहाँ पे कागज वगैरह सारे, हाँ, नगर निगम के क्लियरेंस है ना? आप कितने टाइम, अभी कितने टाइम पहले आपने ये मकान का काम शुरू किया, आप छोड़ के गए हो? सर मकान हमको छोड़े हुए 2 साल हो गए। एक्चुअली मैं पढ़ाई कर रही हूँ और मेरी पढ़ाई को यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस भी होता था और बारिश का पानी घर के अंदर बहुत ज्यादा भी आ रहा था। तो अभी आप बना रहे हो ना इसको? अभी बना रहे, इस वजह से मेरे पापा ने पढ़ाई के चक्कर में, हम 2 साल से किराए के मकान पे रह रहे थे। अभी मेरी पढ़ाई मतलब चल रही है, मेरे को एक्चुअली में सिलेक्शन हो गया तो मैं जयपुर पढ़ रही हूँ। पापा मम्मी दोनों, यहाँ कौन, पापा और मम्मी कहाँ किराए से रह रहे हैं? कालाजी गुराजी में किराए से रह रहे हैं हम लोग। ओके, ये आपके पुश्तैनी जमीन है। तो फिर यही है, क्या कर रहे हैं वो लोग, आके क्या बोल रहे हैं आपको? मतलब हम लोगों जैसे काम, पहले हम जिसने काम हमने स्टार्ट किया, तो पहले नगर पालिका आनंदी मैम जो यहाँ पे अपने कलेक्टर थी। उस टाइम पे हमने मतलब परमिशन भी ली, उनके से मिलके आए, उनसे एप्लीकेशन दी, वहाँ से परमिशन ली, नगर पालिका से ही पेड़ वगैरह भी काटा गया था। उसके बाद यहाँ पे हमने जैसे मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चलाया, तो पीछे जो अदर कास्ट के लोग रहते हैं, उन्होंने मतलब हाथापाई वगैरह करना चालू कर दिया। उनका क्या हक है यहाँ पे हाथापाई करने का? वो बोल रहे कि ये जगह हमारी है, और इस जगह के लिए 1995 में केस भी हुआ था, और जिस केस को हम लोग जीत चुके, वो पेपर भी हमारे पास में अभी मौजूद भी है। तो वो डॉक्यूमेंट आपने थाने में दिखाए? थाने में दिखाए थे उस टाइम पे, फर्स्ट टाइम पापा ने जब एप्लीकेशन दी थी थाने में काम करते टाइम पे, तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके नेक्स्ट टाइम पे 2-4 दिन निकले, उसके बाद इन्होंने मतलब दूसरे लॉयर को भी हायर करा, और फिर क्या हुआ कि परसों के दिन की बात है, हाँ, ये लोग आए, इन्होंने तोड़फोड़ मचा दी, जो बनी हुई दीवार थी वो तोड़ दी, बनी हुई दीवार तोड़ा ताड़ी करी, वो वैसे तोड़ा ताड़ी करी, विद इन सेकेंड्स में पुलिस वाले आ गए, सूरज पुल वाले, ठीक है। और पुलिस वाले आते हैं और उनको उठा के, एक बार तो इन लोगों को ले गए, फिर पीछे से मेरे पापा मम्मी को बोलते कि आपको सर बुला रहे हैं। वो तो कागज चेक करने, और नहीं नहीं, इसमें थाने का क्या रोल रहता है मैं बताता हूँ। वो क्या, उनको जो हंगामा कर रहे हैं उनको ले गए, और आपसे वास्तव स्थिति के डॉक्यूमेंट क्या है, कितनी देर बिठाया थाने में? थाने में अंकल सुबह से लेके शाम को 6:30 बजे पाबंद कर दिया गया पापा मम्मी को, मेरे 107 और 151 की धारा में। 107 पहले तो बैठा के, पहले तो बैठा के रखा कि मतलब आपको कुछ काम है इसलिए बैठा के रखा कि 1 घंटे में छोड़ देंगे। पापा ने कहा ठीक है, दो पापा मम्मी दोनों। देखो बहन, आज लॉकडाउन है, कल है, कल मंडे है, कल मैं आपके IG साहब के साथ, आप चलना मेरे साथ, मेरे साथ मेरे नेता होंगे, मैं होऊंगा, आपका काम कोई नहीं रोक सकता, अगर आप लीगली सही हो, हम आपके पूरी मदद करेंगे, जहां तक जाना है वहां तक जाएंगे, CM को बताना, CM को बताएंगे, नहीं तो कोर्ट के माध्यम से लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आपका एक काम हम लोग करवा के रहेंगे, ठीक है? आप परसों के दिन मजदूर लगाना, कल अपन इसको कर लेते हैं वर्कआउट, परसों के दिन मजदूर लगाना, हमारे 50 लड़के वहां बैठ के आपका काम करवाएंगे, देखते कौन आता है। जी भैया, ठीक है बहन। जनता सेना पंकज सुखवाल नाम है मेरा, जिला अध्यक्ष हूँ यूथ का। आप टेंशन मत लो, ये भरत जी आए हैं, इनसे बात करो, इनको समझाओ, हम आपके साथ खड़े हैं और हम आपके साथ खड़े रहेंगे, किसी कीमत पे आपके साथ अन्याय नहीं होगा। हाँ भैया, ठीक है, थैंक यू।